बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, हम चारों सीट जीत रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। 10 वर्षों में मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण नौजवानों में बेरोजगारी के कारण हाहाकार है। गांव में 83% युवा बेरोजगार है, किसान है, महंगाई से छात्र, युवा और महिला परेशान है। देश के हालात कितने बेहतर हैं, 80 करोड़ लोग गरीब हैं। तेजस्वी यादव क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। हम लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, बढ़ चढ़ करके लोग जो है वोट दे रहे हैं, और मौजूदा सरकार से लोग जो है गुस्से में हैं, और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हार रहे हैं। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। आपके सभा में चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा तेजस्वी जी कुछ नहीं बोल रहा है, खून खोल रहा है मारा। और कुछ सवाल? बीजेपी कह रहा है इस बात का दुख है उसको, आपके सामने उनकी मां को गाली दिया गया। और कोई सवाल? बीजेपी कह रही है मां का नाम भेजा गया, एजेंडा फिक्स करके आए हैं। अरे बीजेपी कह रही है जीरो पे आप लोग आउट हो जाएंगे, बीजेपी कह रही है आप लोग जीरो पर इस बार आउट हो जाएंगे। कौन कह रहा है? बीजेपी कह रही है, वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं। बौखलाहट है विधानसभा में, क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उनपे छोड़िए, पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं, और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। आप लोग धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए।